तो अब मैं पहुंचा हूँ बुगिस मार्केट। बुगिस मार्केट जो है सिंगापुर का सबसे बड़ा मार्केट है, और यहाँ पहुंचना बहुत आसान है। लिटिल इंडिया मेट्रो स्टेशन से आपको महज 700 मीटर की दूरी पर है ये बुगिस मार्केट, और पूरे 7 दिन लगता है। यहाँ आपको हर तरह की चीज़ मिल जाएगी, फैशनेबल कपड़े, मोबाइल एक्सेसरीज, जैसे बैंकॉक वगैरह में दूसरे मार्केट है ना चटुचाक वगैरह, वैसे ही बुगिस मार्केट है। ये देखिए साइन बोर्ड और एलईडी डिस्प्ले चल रहा है। मैं पहुंच चुका हूँ बुगिस मार्केट। रोड क्रॉस करके बस सामने ही बुगिस मार्केट की एंट्री है, तो चलो चलते हैं बुगिस मार्केट। यहाँ पे लगभग 1500 स्टॉल्स हैं, और ये भी अलग अलग सेक्शंस में बटा हुआ है। यहाँ पे भी आपको थाई फुट मसाज, खाने की बहुत सी यहाँ पे अंदर काउंटर्स बने हुए हैं, और मेडिकल शॉप्स हैं। और यहाँ सबसे जो अच्छा है ना कि आपको यहाँ सिंगापुर की जो फेमस टाइगर बाम आती है, पिन बाम, वो यहाँ बहुत आराम से और रिजर्व रेट में मिल जाएगी। कपड़े वगैरह भी यहाँ काफ़ी सस्ते हैं। बाकी यहाँ घूमते रहो, चिल मारते रहो। ये देखिए पूरा बुगिस। मोबाइल लेमिनेशन, मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग, आइसक्रीम, कपड़े, जूते, सब चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। फ्रूट्स, भाई साहब फ्रूट्स अच्छे हैं यहाँ पे, कॉस्टली है लेकिन। एक आम जो 50 सेंट का है, लेकिन आम का साइज भी देखो मस्त बड़ा बड़ा है। तो बस निकला हूँ टेस्ट करवाने के लिए, गाड़ी को भी आजकल ठीक है। यहाँ टेस्ट में शायद 24 घंटे लगते हैं, क्या चल गाड़ी करवा लेते हैं। तो अभी मैं हूँ अपने हॉस्टल, किन हॉस्टल, और अपना नाम जो ATA मेडिकल सेंटर। तो बस बस लिए मैंने यहाँ से तकरीबन 145 रुपये बस लिए, और सबसे सस्ता यही मिला मेरे को, तो नंबर 98 सिंगापुर रोड वगैरह है जस्ट ये, बाकी सब 100 से ऊपर हैं। तो इसके बाद फिर अब जाना मुझे पुनान मॉल और ऑर्चर्ड और कुछ दो तीन जगह है। तो थक गया यार, तकरीबन एवरेज में भी 20 किलोमीटर का वॉक हो जा रहा है। ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा मैं, क्योंकि मैं मोस्टली मॉल में ही घूम रहा हूँ, टाइम कम है, 3 दिन वैसे ख़राब हो गए थे। तो टेस्ट के बाद मिलता हूँ। वही यार मेट्रो कार्ड जस्ट भी है ना सिंगापुर के पास, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है यार, फुल पैसा वसूल है। चलो टेस्ट के बाद मिलता हूँ ना। यार साफ सुथरा मस्त है भाई। ये मैं जा रहा हूँ फुनान मॉल, वहाँ से टेस्ट करवा के फुनान मॉल, बड़ा ऑसम बना हुआ है भाई, बहुत छोटा है, 2-3 किलोमीटर के अंदर तो जो भी चीज़ चाहिए ना मिल जाती है यार, घुमा फिरा के 2-3 किलोमीटर का रन रहता है यहाँ पे। गूगल मैप बेस्ट है।
यह है फुलटन रोड। अभी मैं स्प्लेंडर रोड स्प्लेंडर पर उतरा और फुनान के लिए यहाँ से तकरीबन 700 मीटर पे है, तो बाई वॉक जा रहा हूँ। विक्टोरिया थिएटर बड़ा साफ सुथरा बना रखा है। अब मजे की बात यह है, यहाँ जितने भी लेबर है सब इंडियन है, साफ सफाई करने वाले, सीवेज वाले सारे इंडियन है। ठीक है, ये लोग यार अपने कंट्री में काम क्यों नहीं करते हैं, यहाँ आके सारा काम टाइम टाइम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, वहाँ क्या जाता है लोगों को यार। ये पैसा वहाँ पे भी मिलता होगा, काम कैसे बात है नहीं कि फ्री काम करवा रहे हैं, वहाँ पे पैसा वहाँ पे मिल रहा है, पैसा यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ काम कर लेते हैं। यहाँ डंडा मारने वाला है, वहाँ डंडा मारने वाला कोई नहीं है भाई। अरे वही है, चाबुक का डर है यार, चाबुक पड़ता है ना तो शेर भी छुल के चेप बैठ जाता है, वाला सीन है। अभी क्या कोविड की वजह से अपडेट बड़ा का नहीं है, सो फाइनली मैं पहुंच गया फुनान मॉल। फुनान मॉल की गिनती सिंगापुर के बड़े मॉल्स में होती है, बहुत सही मॉल है, 5 फ्लोर का मॉल है और यहाँ पे भी आपको सारी लग्जरियस ब्रांड्स मिल जाएंगे। खाने पीने के लिए फूड कोर्ट पूरा बना हुआ है और शानदार है, बच्चों को लेके आओ तो भी यहाँ बच्चों के लिए कई एक्टिविटीज़ आपको मिल जाएंगी। क्लाइंबिंग वगैरह भी यहाँ पे है, दिखाऊंगा बाद में आपको, तो आओ फटाफट फुनान मॉल घूमो पहले। ये है पूरा फुनान, बड़ा सही बना हुआ यार, ये खाना बना बना के खाना सीखते भी लोग यहाँ पे। चलते हैं नीचे, तो चलो नीचे। अब मैं दिखाता हूँ आपके कि क्लाइंबिंग कैसे करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर बना रखा है, देखिए ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे क्लाइंबिंग्स कर रहे हैं, ये देखिए पूरा जोर लगा रहे हैं अपना। ये वैसे भी सिंगापुर में लोग अपनी हेल्थ को लेकर यार बहुत कॉन्शियस है वास्तव में, वैसे चढ़ा भी नहीं जा रहा अभी, ये पहले में निकल लिया भाई। मेरी को छोटी सी बच्ची है, कितना ऊपर चढ़ चुकी है,
पूरी जी तोड़ मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही हो जाए ऊपर तक, लेकिन अब नहीं हो पा रहा। तो ये भैया नीचे लटका हुआ है। फाइनली हो गया। ये भाई साहब अभी शुरुआत में लटके हुए हैं। भाई को समझ में नहीं आ रहा जाना कहाँ है। फुनाल मॉल पूरा घूम लिया, मजे ले लिए। अब चलते हैं सिंगापुर के नेबरहुड कंपोंग ग्लेंग में। ये एक मॉमलन एरिया है, यहाँ पे भी बहुत से इंडियंस मिल जाएंगे। और यहाँ की जो मस्जिद है शानदार, देखने लायक है। कोविड की वजह से अभी मस्जिद के अंदर एंट्री नहीं है विजिटर्स को, लेकिन बाहर से देखने लायक है। बहुत सुंदर बना हुआ है ये इलाका भी, और सिंगापुर के नेबरहुड्स में कहलाता है। तो आओ चलते हैं कंपोंग ग्लेंग जो भी है, तकरीबन 2 बजे का टाइम है जब यहाँ पहुँचा हूँ, और मस्जिद में इनकी अजान वगैरह जो भी होती होगी चल रही है। कॉपीराइट की वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। बाकी बहुत सुंदर है, और यहाँ गलियों में जो दीवारों पे इतनी अच्छी ग्रिफ्टी बनी हुई है, मैं स्पेशली उसे ही देखने आया हूँ। अभी उसे लोकेट करता हूँ कि वो गलियाँ कहाँ हैं या ग्रिफ्टी बनी हुई है। या इतनी गर्मी है ना, मैंने यहीं बैठ के ऑरेंज जूस पिया था। बहुत अच्छा एम्बियंस है यहाँ का, और बड़ा मिक्स कल्चर है यहाँ पे। चाइनीज़ भी मिल जाएंगी देखने को, इंडियंस कल्चर भी देखने को मिल जाएंगे, पर्शियन भी हैं। और वैसे चाइना के अंदर, वैसे सिंगापुर के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा ही है। यहाँ मैंने एक दुकान पे तुर्किस कॉफ़ी पी थी, बहुत अच्छी बनाई बंदे ने, बहुत सही कॉफ़ी बनाई थी। ऐसी तुर्किस कॉफ़ी या मैंने इजिप्ट में पी है या यहाँ पी थी मैंने, रियल में मज़ा आ गया था। देखिए आर्किटेक्चर कितना सही है यार, मतलब देखने में ना एक अलग ही फील आता है यहाँ का। इतना रश नहीं है, लगभग अभी सिंगापुर खाली ही है, विजिटर्स बहुत कम हैं। दोनों साइड रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, बैठने के लिए अरेंजमेंट बहुत अच्छा दे रखा है। ऊपर आप देखिए पूरा विंडो वाला कितना सही लग रहा है देखने में। ये पूरा मोमलन एरिया है यहाँ का, ये देखिए।
इसी मस्जिद के पास है सिंगापुर का इकलौता कैमरा म्यूज़ियम, लेकिन आज ये म्यूज़ियम बंद था तो मैं अंदर नहीं जा पाया, लेकिन चलो बाहर से देख के आइडिया लग गया। यहाँ पर आपको हर एज का कैमरा मिल जाएगा देखने को, और किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी की, लेकिन आज ये बंद था तो मैं नहीं जा पाया, तो बस बाहर से ही चक्कर लगा लिया। दूसरा गर्मी इतनी है कि मैं परेशान हो चुका था। तो अभी मैं बचा हूँ क्लार्क की, यहाँ से छोटे क्रूज और लोकल वाले शिकारी टाइप में ये बन के निकलते हैं यहाँ से। खाना वाना खा के अपने हॉस्टल जा रहा था मैं, यार ये रह गया, इसको देख लो। बारिश हुई है लेकिन उमस यार वैसे की वैसी है। क्लाक की एकदम क्लाक की मेट्रो के बैक साइड में है, क्लाक की मेट्रो आपकी मॉल भी है, एकदम मॉल के बैक साइड में है ये। तकरीबन बचे हैं 8:15 और यहाँ सब कुछ बंद हो चुका, निपट गया सारा भाई यहाँ पे। अच्छा अभी सिंगापुर में 8:15, 8:30 तक मॉल वगैरह बंद हो जाते हैं, तो बस यहाँ पे भी सब कुछ बंद होने के है। और ये देखो लोग यहाँ अपने जो भी कपल बैठे हैं यहाँ पे अपने ड्रिंक विंक कर रहे हैं, म्यूजिक मस्त चल रहा है। कॉपीराइट आता है तो बस म्यूजिक बंद कर दिया और वॉइस ओवर करना पड़ता है यार, बाकी ठीक है। उमस इतनी है आज, इतनी अच्छी बारिश हुई है, लेकिन हाल बेहाल ही है। दोनों साइड में बियर स्टोर्स हैं और लोग दबा के बियर पीते हैं यहाँ पे। ये है पूरा क्रूज़ एरिया, यहाँ से छोटे छोटे क्रूज़ बन के चलते हैं। देखिए छोटा सा क्रूज़ क्या है, छोटी छोटी बोट है जो 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए आपको इस पूरी रिवर के अंदर आपको घुमाएंगी। अंदर डांस वगैरह खाना रहता है, तो आप आराम से 2-3 हज़ार रुपये की टिकट लेके आराम से 2-3 घंटे स्पेंड कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ में, क्वालिटी टाइम। और रात का नज़ारा देखो भाई, सेम क्रूज मैंने गोवा में भी किया था और इजिप्ट में भी किया था, तो मेरा बिल्कुल मूड था नहीं क्रूज़ करने का, तो मैंने बस आप लोगों के लिए शूट कर लिया। बाकी बस अब जाऊंगा घर, नहा धो के आराम करूंगा, कल मॉर्निंग में निकलना है मुझे वापस इंडिया के लिए। यार क्या सही लग रहा ना ब्रिज, लाइट वाइट में बड़ा ही चकमकाया हुआ लगता है। सिंगापुर लाइटिंग का बड़ा सही खेल है। तो यही ब्रिज है जो पार करके मैं आया था, ये सामने क्लाकुली का मेट्रो और ये ब्रिज का केंद्र सारा रहा। चलो यार चलते हैं, अब थकान हो गई। भाई यहाँ बस एक संडे को छोड़ के ना वो निकलना घूमने के लिए, संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और स्पेशली डाउनटाउन या लिटिल इंडिया साइड को तो अवॉइड ही करना यार, किधर लगभग टिक्का सेंटर वगैरह सबकी छुट्टी होती है, तो बहुत ज़्यादा यार क्राउड जाता है यहाँ पे।
बहुत साफ़ सुथरा है यार, यहाँ पे कचरा कम ही देखने को मिलता है। और लोगों को भी यहाँ का मतलब नहीं है, आप आराम से घूमो फिरो। तो आ गया अपना किन कैप्सूल हॉस्टल, ठीक है, मतलब सही बना रहा था, कॉस्टली जरूर है यार, बाकी ठीक है। बस ये रहा, अपना सेकंड फ्लोर है यार। चल चल के भाई, हालत होगी पतली, हालत देखो यार। सो फाइनली आज रवान की आ गया मैं यहाँ पे कॉफी पॉट और यहाँ से एयरपोर्ट के लिए। तो ये है कॉफी पॉट, पहुँचूँगा यहाँ पे, सभी डोसा वोसा खाया यहाँ। 4 बजे की मेरी फ्लाइट है, तो बस अभी बजे हैं 11:30, तकरीबन यहाँ से 1 घंटा लगेगा। चलो मेट्रो आ गई, सो फाइनली मैं पहुँच गया एक्सपो। एक्सपो से डायरेक्ट मेट्रो है चांगी के लिए, बस 5 मिनट पहुँच जाऊँगा एयरपोर्ट। और यहाँ से बस 5 मिनट और है चांगी का। तो बस आज से रवानगी चालू हो गई है, तो चलो भाई करते हैं बोर्डिंग, सिंगापुर को करते हैं बाय बाय और चलते हैं इंडिया। सिंगापुर एयरलाइंस सीट ढूंढ रहे हैं भाई अपनी, कहाँ है सीट, कहाँ है सीट। तो कुल मिला के 6 दिन में से 3 दिन मैंने मजे लिए, 3 दिन होटल में स्पेंड किए। इन शॉर्ट अच्छा रहा सिंगापुर का टूर। सिंगापुर स्टार एयरलाइंस, चलो चलते
भाई सिंगापुर एयरलाइंस का खाना बड़ा सही था यार। रेड वाइन, ये फ्रूट क्रश, सब्जी वगैरह भी बड़ी सही सब्जी थी यार। मतलब खाना शानदार है, मज़ा आ गया था खा के। तो यहाँ दोस्तों सिंगापुर की सीरीज होती है ख़त्म। आपको सीरीज़ कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताना। कुछ और अगर ट्रेवलर कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ में। अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। चलिए बाय बाय।